एवरीवन, आज हम रिवाइज करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है तो उसके लिए हमें इक्वेशन ऑफ मोशन बतानी है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी यू, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी वी, और एक्सेलरेशन को हम किससे डिनोट कर रहे हैं ए, और कितने टाइम में वो बॉडी जो है वो एक्सेलरेट कर रही है मींस वेलोसिटी चेंज हो रही है पर यूनिट टाइम, तो टाइम क्या होगा टी। अब आपको पता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब आपको ये भी पता होगा कि चेंज इन वेलोसिटी को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो देखो एक्सेलरेशन को हम डिनोट करते हैं ए से, चेंज इन वेलोसिटी को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कितनी है हमारे पास वी है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है यू है, तो देखो फाइनल वेलोसिटी वी माइनस इनिशियल वेलोसिटी यू डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम को आप किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो टी से रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो यहां से आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलेट करोगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। ठीक है, अब इसको सोल्व करोगे, इसको उधर लेकर जाओ तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी किसको रिप्रेजेंट करता है फाइनल वेलोसिटी को, u रिप्रेजेंट करता है इनिशियल वेलोसिटी को, और a रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन को, और t रिप्रेजेंट करता है टाइम को। तो फाइनल वेलोसिटी किसके इक्वल आ गई आपके पास इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है कि अगर कोई बॉडी अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है तो उसके लिए हमें इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलेट करनी है। तो देखो उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी है यू, फाइनल वेलोसिटी है वी, एक्सेलरेशन क्या है ए, और टाइम कितना वो हो रहा है कंज्यूम हो रहा है तो टी। तो देखो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो यहां से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आई v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, मीन्स फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई में टाइम। अब हम डिराइव करते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसी को हम डिराइव करते हैं, तो देखो एक कोई बॉडी है उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है v है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है s, यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है s रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस को कि वो बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो बॉडी s डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है और कितने टाइम में ट्रेवल कर रही है t टाइम में ट्रेवल कर रही है, और यहाँ पे a किसको रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उस बॉडी की हमारे को इनिशियल वेलोसिटी पता है फाइनल वेलोसिटी पता है तो हम एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट की, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टू। तो देखो v एवरेज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है एवरेज वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है u प्लस फाइनल वेलोसिटी क्या होती है v डिवाइडेड बाय टू। तो अब देखो यहाँ पे हमने v एवरेज कैलकुलेट किया, क्या आया हमारे पास u प्लस v डिवाइडेड बाय टू। अब हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना उस बॉडी ने डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, हमारे पास एवरेज वेलोसिटी है। अब देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए गिवन डायरेक्शन डिवाइडेड बाय टाइम। वहां से अगर मैं डिस्टेंस को कैलकुलेट करूं तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या बन जाएगा एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई में टाइम। एवरेज वेलोसिटी क्या है जो अभी हमने कैलकुलेट की थी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में यू प्लस वी डिवाइडेड बाय टू, एस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस ट्रेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है मल्टीप्लाई बाय टाइम, टाइम क्या है हमारे पास टी है। अब देखो अब हम यूज करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो अभी इससे पहले हमने डिराइव की है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यहाँ पे ये जो वी गिवन है आपको इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकती हूँ यू प्लस ए टी लिख सकती हूँ। तो इसमें वैल्यू को पुट करते हैं हम इक्वेशन नंबर सेकंड में। अब देखो हमने ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर पुट किया तो एस इज इक्वल टू यू प्लस, यहाँ पे बी की जगह हमने क्या लिखा है यू प्लस ए टी लिखा, तो यू प्लस ए टी डिवाइडेड बाय टू एज इट इज मल्टीप्लाई में टाइम।
इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास सेकंड इक्वेशन आ जाएगी, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो देखो इसमें हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट था जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी यू थी, फाइनल वेलोसिटी कितनी थी वी थी, और वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था। कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था, एस डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था, और उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में टाइम कितना लग रहा था, टी टाइम लग रहा था। उसके बाद हमने एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी भी है फाइनल वेलोसिटी भी है। तो हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टू। तो इससे हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आई वी एवरेज इज इक्वल टू यू प्लस वी डिवाइडेड बाय टू। अब देखो इसके बाद हम डिस्टेंस ट्रेवल कैलकुलेट कर सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई में टाइम, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एवरेज वेलोसिटी के मल्टीप्लाई में चला जाएगा टाइम। तो देखो डिस्टेंस ट्रेवल हमें पता है कितना किया उस ऑब्जेक्ट ने, एस डिस्टेंस ट्रेवल किया है। एवरेज वेलोसिटी अभी हमने कैलकुलेट की क्या थी, यू प्लस वी डिवाइडेड बाय टू, मल्टीप्लाई में टाइम कितना था, टी टाइम था। उसके बाद हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज किया, सेकंड इक्वेशन के अंदर वी की जगह हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की वैल्यू पुट कर दी। तो देखो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट की यू प्लस एटी। ये यू प्लस एटी किसकी वैल्यू है, वी की वैल्यू है, मीन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू को पुट किया। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो जाएगी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस टू ए एस। अब यहाँ पे वी किसको रिप्रेजेंट करता है, फाइनल वेलोसिटी को, यू रिप्रेजेंट करता है इनिशियल वेलोसिटी को, ए रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन को, और एस रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस ट्रेवल की, उस बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो देखो अब इसको डिराइव करते हैं हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को, तो हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पता है वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब हम स्केयर कर देते हैं दोनों साइड पर, तो स्केयर किया हमने तो यहाँ पे बी बी का स्केयर, यू प्लस एटी सारे का स्क्वेयर। अब आपको पता होगा ए प्लस बी सारे के स्क्वेयर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी। तो देखो बी स्केयर इज इक्वल टू यू स्केयर एज इट इज प्लस एटी स्केयर मीन्स बी स्केयर प्लस टू मल्टीप्लाई में ए प्लस बी, ए क्या है यू मल्टीप्लाई में एटी। तो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया यहाँ पे ए प्लस बी सारे के स्क्वेयर का। तो अब देखो यहाँ पर बी स्केयर एज इट इज यू स्केयर एज इट इज। अब ये जो दो टर्म है इसमें से आपने टू और ए को कॉमन ले लिया, जब आपने टू ए को कॉमन लिया तो इस टर्म में क्या बचा अंदर, यू और टी बचा, यू टी प्लस, अब यहाँ पे तो टू नहीं था तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, वन बाय टू इंटू में एक ए बाहर चला गया है, बाकी क्या बचा एटी स्क्वेयर बचा। दोबारा से देखो एक बार, बी स्केयर इज इक्वल टू यू स्केयर प्लस ए स्केयर टी स्केयर प्लस टू यू एटी। इसमें से आपने इस टर्म को एज इट इज रखा, बी स्केयर इज इक्वल टू यू स्केयर प्लस, अब इसमें से आपने टू ए को कॉमन ले लिया इस वाली टर्म में से, ठीक है। अब आपने टू ए को कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे तो यू टी बचा प्लस साइन एज इट इज, यहाँ पे टू नहीं था तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो वन बाय टू ए आप पहले ही बाहर निकाल चुके हो, बचा कितना, सिर्फ ए बचा और टी स्क्वायर एज इट इज। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर सेकंड, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इस पूरे टर्म के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, एस लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या इक्वेशन डिराइव होगी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, जो हमारे को प्रूव करना है।